इस वक्त गाजा के दक्षिणी इलाके खान यूनिस में इसराइल गोलीबारी कर रहा। खान यूनिस के अंदरूनी हिस्से में इसराइली फोर्स के टैंक और तोप भी कहर ढा रहे। इसके पहले इसराइल ने खान यूनिस में रहने वाले लोगों को जगह खाली करने का आदेश दे दिया था, लेकिन इन लोगों का सवाल है कि जब वो उत्तरी गाजा में थे तो वहां से निकाले गए, अब दक्षिणी गाजा से भी निकाला जा रहा है। फिलिस्तीनियों का सवाल है वो आखिर जाएं तो जाएं कहां। उत्तरी गाजा खाली करो, गाजा खाली करो, मध्य गाजा खाली करो, खान यूनिस खाली करो, रफा खाली करो। 21 लाख फिलिस्तीनी आबादी कहां जाए? जमीन का जर्रा जर्रा बारूद बन चुका है। इजरायली डिफेंस फोर्स के टैंक मौत बनकर बरस रहे हैं। आती जाती हर सांस के साथ मौत नत्थी हो चुकी है। अब कब किसकी बारी आ जाए? लोग सहमे हुए हैं, दुबके हुए हैं। न खाने को अनाज है, न पीने को मयस्सर पानी। हम मरना चाहते हैं, लेकिन हम जीना जारी रखते हैं। हम थक चुके हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन 10 महीनों में हमारी उम्र दोगुनी हो गई है। आफत और बेबसी 21 लाख फिलिस्तीनियों का गला घोट रही है, जो इजरायली हमले में मारे गए हैं, जो मलबे के नीचे दफन हो गए और जो बच गए। तीनों के बीच फर्क करना मुश्किल हो गया है। लोग बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं, शरीर पर चकते उगाते हैं। गाजा के करीब करीब सभी अस्पताल इजरायली टैंकों के तले तबाह हो चुके हैं। अब फिर से इजरायली डिफेंस फोर्स का फरमान हुआ है, खान यूनिस खाली करो। आपको याद होगा, उत्तरी गाजा से लोगों को कहा गया कि दक्षिणी गाजा में शिफ्ट करो। खान यूनिस दक्षिण में ही है। अब यहां से कहा जा रहा है जगह खाली करो। जाएं तो कहां जाएं? इस वक्त खान यूनिस आग की भट्टी बन चुका है। इजरायली टैंक और तोप हमले पर हमले कर रहे हैं। गोलियों की बिसात बिछी हुई है। रिपोर्ट जिसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल है, उनमें कहा जा रहा है कि खान यूनिस में अब तक 100 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। यही नहीं, कितने इमारतों के मलबे में दब गए इसकी मुकम्मल जानकारी नहीं। हाँ, जो जख्मी हैं, जो जिंदा बच पाए हैं, उनकी तादाद भी 200 के पार पहुंच चुकी है। और अब ताजा हमले की खबर आ रही है। इजरायली फोर्स फिर से हमले की तैयारी में है, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। खान यूनिस के हमले में 30 लोग मारे गए हैं। अब इजरायली फोर्स का कहना है कि खान यूनिस में ताजा हमले करने जा रही है, जिसमें मुआसी का वो इलाका भी शामिल है जहां विस्थापित लोगों को बसाया गया है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 4 दिनों में खान यूनिस से करीब 1,80,000 लोग विस्थापित हो चुके हैं। दर बदर फिलिस्तीनियों के लिए कोई भी जगह महफूज नहीं, क्योंकि यहाँ हमास के आतंकी छुपे हुए हैं। आतंकवादी ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कोरी दलील है या इसमें सच्चाई है, इसकी पुष्टि कर पाना मुश्किल है। बस तस्वीरें देखकर ही इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। गाजा के दो मुख्य संगठन हमास और इस्लामिक जिहाद की तरफ से संचालित एक टेलीग्राम चैनल ने कहा है कि उनके लड़ाके खान यूनिस के पूर्व में इजरायली सैनिकों के साथ मशीन गनों, मोर्टारों और टैंक रोधी हथियारों के साथ भीषण लड़ाई कर रहे हैं। हमास के पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। हमास फुल एंड फाइनल जंग लड़ रहा है और इस लड़ाई के बीच दुनिया से इजरायल के खिलाफ मदद वाली सहानुभूति की भी दरकार रखता है। हमास के कंट्रोल वाले फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक हमास इसराइल युद्ध में कम से कम 39,175 लोग मारे गए हैं और 90,403 लोग घायल हुए हैं। 7 अक्टूबर को हमास के नेतृत्व वाले हमलों में इसराइल में मरने वालों की संख्या 1,139 होने का अनुमान है, जबकि करीब 141 लोग अभी भी गाजा में बंदी हैं। हर हमले में जब आम फिलिस्तीनी मारे जाते हैं, इसराइल के प्रधानमंत्री बेनामिन नेतन्याहू दोहराते हैं कि वो युद्ध विराम के लिए तो रेडी है, लेकिन हमास पहले बंधकों को रिहा करे। हमास इजरायली बंधकों को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। इन बंधकों के कारण ही नेतन्याहू को अपने देश में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है और वो अब तक इस संकट का हल नहीं निकाल पाए हैं। तो ये वजह है जो नंबर एक है नेतन्याहू के अमेरिकी दौरे का, और दूसरी वजह है कि अमेरिका से मिल रही इसराइल को मदद। We had it recognized Jerusalem as the capital of Israel. It was a great thing. It was a great day, actually. I also recognized Israeli sovereignty over the Golan Heights. I never even said I was going to do it. I mean, the fact is, I've done more for Israel by far than any other president. Not even close. बिना अमेरिकी मदद के इसराइल का फिलिस्तीन से युद्ध करना तो आसान है, लेकिन यमन के हुथी, लेबनान के हिजबुल्ला और उससे भी आगे ईरान से टकरा पाना मुश्किल है। लिहाजा नेतन्याहू अभी से ये सुरक्षित करना चाहते हैं।